आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, एडम वन पार्टी डोमिनेंस के इस सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और इसके पार्ट वन में हमने पढ़ा था कि किस तरह से ये चैप्टर किस की पॉइंट्स को आपको समझा रहे हैं, क्या क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो इलेक्शन कमीशन जो सेटअप होती है 1950 में, और ये सोचा गया था कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1950 में कर ली जाएगी, लेकिन वो हो नहीं पाता है, और उसके क्या क्या रीजंस थे, क्या ऐसे प्रॉब्लम्स इलेक्शन कमीशन ने डिस्कवर किए थे, वो हमने देखा। अब आइए चलते हैं कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद फिर क्या होता है, किस तरह से एक वन पार्टी डोमिनेंस क्रिएट होता है इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में। सो ये वन पार्टी डोमिनेंस, ये एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस जो हम पढ़ रहे हैं, किसकी डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। दिस वन पार्टी डोमिनेंस इज एक्चुअली द डोमिनेंस ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, दैट इज द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी जो कि पूरी तरह से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरल इलेक्शन में इसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हरा नहीं सकती थी, कोई ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी को हरा नहीं सकती थी, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू द डोमिनेंस ऑफ द वन पार्टी। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस हो रहा है, ये किसी डिक्टेटरशिप की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट में कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस हो रही है। और ये डोमिनेंस कौन कौन से जनरल इलेक्शन में, इट इज इन द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन, दैट इज 1952, 1957 and 1962। सो इन विच ईयर फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड, तो यहाँ से एक क्वेश्चन, इन विच ईयर फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड, इट वाज हेल्ड इन 1952। इन विच ईयर सेकंड जनरल इलेक्शन हेल्ड, इट वाज हेल्ड इन 1957। एंड इन विच ईयर द थर्ड जनरल इलेक्शन हेल्ड, इट वाज हेल्ड इन 1962। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सेकंड जनरल इलेक्शन और थर्ड जनरल इलेक्शन, तीनों ही जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा ह्यूज मेजोरिटी के साथ आती है। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में देयर वर 489 सीट्स, तो लोकसभा के 489 सीट्स के लिए इलेक्शन हुआ था, और इसमें कांग्रेस पार्टी को 364 सीट्स मिलती है। सेकंड जनरल इलेक्शन में सीट बढ़ जाती है, 494 सीटों पर चुनाव हुआ था, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भी इस टाइम भी ज्यादा मिलता है उसे, दैट इज 371। एंड द थर्ड जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी 361 सीट से जीतकर मेजोरिटी पार्टी में बरकरार रहती है। तो इसे कौन से ऐसे पॉइंट्स है, कौन से ऐसे रीजंस है, क्या कॉजेस है जो कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शन तक धूमिली नहीं होने देती, और कांग्रेस पार्टी एकदम मेजोरिटी पार्टी बनकर के सामने खड़ी रहती है, कोई अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की टक्कर का ही नहीं खड़ा होता। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से रीजंस है। तो सबसे पहला रीजन स्टूडेंट है, इसके पीछे रीजन ये है कि दैट इज द लेगेसी ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। हमको पता है दैट कांग्रेस पार्टी वाज फॉर्मड इन 1885, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी 1885 में फॉर्म की गई थी, इट वाज नॉट लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, इट वाज जस्ट अ प्रेशर ग्रुप के रूप में कांग्रेस पार्टी बनती है 1885 में। लेकिन धीरे धीरे ये प्रेशर ग्रुप किस तरह से नेशनलिस्ट मूवमेंट में लोगों के दिलो दिमाग में छा जाता है, और उसके बाद फिर इस पॉलिटिकल पार्टी के अलावा लोगों को कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपने एस्पिरेशंस, अपने डिमांड्स को सरकार तक पहुंचाने के लिए नजर ही नहीं आती है। तो कांग्रेस पार्टी हर सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट के साथ, हर एक अपने मूवमेंट के साथ साथ बॉटम लेवल तक लोगों तक पहुंच जाती है, और लोग जो है अपने लिए आसरा इस कांग्रेस पार्टी में ही खोजती है, और कांग्रेस पार्टी में ही सारे के सारे, सारे जाति और सारे धर्म के लोग जो है शामिल होते चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसकी एडवांटेज थी, इट वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि ये जो है हमारे देश की आजादी के जो मूवमेंट जो थी, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसी अगर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपनाया गया, तो दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ऑब्वियसली आजादी के बाद भी लोग इसी पॉलिटिकल पार्टी को ही सोचेंगे, ना कि किसी दूसरे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ उनका नजर जाएगा। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, अभी मैंने आपको बताया कि आजादी का जो है असर इस पॉलिटिकल पार्टी पे आजादी के बाद में भी था, और इस वजह से इसकी ऑर्गेनाइजेशंस जो थे दैट वर स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, भारत के हर कोने कोने में
इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। लोग अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को जानती थी तो वो केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कांग्रेस पार्टी के अलावा उनके लिए कोई दूसरी ऑप्शंस में थे ही नहीं। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट अदर फीचर इज दैट इज द कैरिस्मेटिक लीडरशिप क्वालिटी। किसकी लीडरशिप क्वालिटी के हम बारे में बात कर रहे हैं, किसका करिश्मा यहाँ पर चलता है, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। यानी जवाहरलाल नेहरू जी अकेले घूम घूम कर पूरे भारत में उन्होंने फर्स्ट जनरल इलेक्शन के पहले कैंपेनिंग की, लोगों को बताया कि उनके एजेंडास क्या है, किस तरह से हम देश चलाएंगे, लोगों को किस तरह इलेक्शन करना है, क्या क्या लोगों के प्रायोरिटीज है, आने वाले टाइम पे हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। ये सारी बातें जवाहरलाल नेहरू जी ने घूम घूम करके पूरे भारत के लोगों को बताया और इनका करिश्मा उस समय चल पड़ा और इसी पॉलिटिकल पार्टी को फिर आगे जाकर लोगों ने केवल वोट दिया, चाहे वो फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सेकेंड और थर्ड जनरल, तीनों ही जनरल इलेक्शन कांग्रेस पार्टी एट द विनिंग पार्टी विद ह्यूज मेजोरिटी में थी। और इसके अलावा जो अदर फीचर्स है, दूसरा कौन सा ऐसा फीचर है, दैट इज द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, जो दूसरे पार्टीज दे कुड नॉट इवन थिंक ऑफ अ स्ट्रेटजी। जहां कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रेटजी लोगों तक पहुंचा रही है, क्या काम करना है, किस बेसिस में करना है, कैसे एडवांसमेंट मिलेगा, सभी को किस तरह से इक्वालिटी मिलेगी, क्या करेंगे, ये सारी बातें वो जनता तक पहुंचा रही थी, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी केवल अपनी ही स्ट्रेटजी में लगी हुई थी। तो ऑब्वियसली भाई, अगर हमारी ऑब्वियस स्ट्रेटजी अगर क्लियर नहीं होगी तो लोग हमें कैसे चुनेंगे। तो स्ट्रेटजी क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि उस समय अपोजिशन पार्टीज की स्ट्रेटजी थी नहीं, क्लियर ही नहीं थी कि उनको किस तरह से काम करना है। वो अपने एजेंडा तैयार कर रहे थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, वो इंडिपेंडेंस के टाइम पर ही तैयार होते हैं। हम अपने अगले वीडियो लेक्चर्स में इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से अपोजिशन पार्टीज जो है तैयार होती है, उनके क्या आइडियोलॉजीज थे और उनके कौन कौन से मेंबर्स थे। तो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि मेनी लीडर्स हु वर इन द फोरफ्रंट ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, वो सारे लीडर्स जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम पे सबसे आगे थे, वही लोग जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे। तो ऑब्वियसली जब वही लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे तो जनता तो उन्हें जानती है और जनता जिसे जानती है उसी को ही वोट देंगे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज था कांग्रेस पार्टी के लिए। ऐसा नहीं कि उसमें डिस्प्यूट हो गया, सब टूट करके बढ़ गए, ऐसा हुआ ही नहीं, बल्कि यूनाइटेडली जो है इन लोगों ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज मिला, दैट इज द कांग्रेस हैड द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज। कांग्रेस को मिलती है ब्लॉक में फर्स्ट, अब उससे आगे कोई नहीं, उसके पीछे भी अब कोई नहीं था, अकेले कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी पे मेजोरिटी, वोट्स पे वोट्स लिए चले जा रही थी। और इसके साथ साथ फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों जनरल इलेक्शन में अकेले कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस बरकरार रहता है। तो ये था इस वीडियो लेक्चर में। आगे हम फिर से एक बार रिकैपिटुलेट करते हैं। तो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, तो कौन से पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेंस है, कितने सालों तक चलता है, तो ये फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शंस तक जो है इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस चलता है, कांग्रेस पार्टी का जादू बरकरार रहता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शन में। अब उसके बाद 1967 में जब फोर्थ जनरल इलेक्शन होती है तब चेंज होती है। अब वो चेंजेस क्यों होती है, क्या उसके कॉजेस हैं, हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसके पीछे हम पढ़ते हैं कि कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में था उसके पीछे पहला रीजन क्या था, दैट इट इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट। सबसे पहला क्या है, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, जो फ्रीडम स्ट्रगल थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने। तो इसलिए इस पर इसका प्रभाव आजादी के बाद भी इस पे दिखता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दिस ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, और ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे भारतवर्ष में स्प्रेड थी। और नेक्स्ट जो है कैरिस्मेटिक लीडरशिप क्वालिटी, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पूरे भारत में टूर किया, कैंपेन की और लोगों को बताया। इसके अलावा जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज थे उनकी स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं थी, तो ऑन द अदर हैंड द स्ट्रैटेजी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फुल्ली क्लियर एंड द लीडर्स दोज हु कंटेस्टेड द इलेक्शन फ्रॉम द कांग्रेस साइड दे वर एक्चुअली इन द फोरफ्रंट ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट। सो दैट्स व्हाई दे नोस द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल दे आर इन द बॉटम लेवल, जो गरीब से गरीब लोग पीजेंट्स जो थे, ये इसके अलावा जिनके प्रॉब्लम्स थे, ये सारी जो जनता ये इन लीडर्स को पहचानती थी और इन्हीं को इन्होंने वोट किया। और उसके बाद जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन के इलेक्शन जब रिजल्ट आता है तो सब ने इसे एक्सेप्ट किया कि यस इट इज अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन,
without any malpractices. The student, thank you for watching this video. हम अगले video lectures में पढ़ेंगे nature of Congress dominance. हमने इसमें पढ़ा causes behind the dominance of the Congress party in the first three general election. इनके एक-एक point को आपको one marks question बनाकर याद करना है. And in the next video lecture, we will study about the nature of Congress dominance और उसके differences with the other countries. कि भारत में जो Congress dominance हम देख रहे हैं पहले general election, second और third में तीनों जगह कांग्रेस को ह्यूज मेजोरिटी मिलती है 3 times और ये मेजोरिटी जो है यही कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस को बनाती है इंडियन पॉलिटिक्स में. तो इसके पीछे रीजन क्या है ये हमने पढ़ लिया, लेकिन ये किस तरह से दूसरे देशों से अलग है ये भी हमें पढ़ना जरूरी है. सो हम उसे अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.